हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका फिर से उस प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। बहुत सारे लोग आजकल बकवास कर रहे हैं जो आपको सुननी पड़ती है। मैं ज़्यादा बकवास करे बिना सीधा प्रोग्राम पे चलता हूँ। देखते हैं, आइए इस बार की मौजें। दोस्तों, चाय में अगर चीनी ज़्यादा हो जाए तो चाय बेकार हो जाती है, मानते हैं आप। और खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना बेकार हो जाता है। ऐसे ही अगर बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फसल बेकार हो जाती है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो है हमारे, और आजकल भी लोग बहुत सारे इस तरह की बातें करते हैं कि बच्चों को अगर लाड़ प्यार ज़्यादा मिल जाए तो समझ लो बच्चे बेकार हो गए। और वैसे ही अगर देश में डेमोक्रेसी ज़्यादा हो जाए तो देश बेकार हो जाता है। हालांकि ये लास्ट वाली लाइन मैंने नहीं कही है, ये नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत कह रहे हैं कि देश में टू मच डेमोक्रेसी हो रही है। अब दोस्तों, चाय का तो मेरे को पता है कि भैया मैं 2 चम्मच चीनी लेता हूँ, यूपी का हूँ तो थोड़ा मीठा ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 2 से ज़्यादा डालोगे तो भाई स्वाद खराब हो जाएगा और मतलब नुकसानदायक भी है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी को कैसे मेजर करें कि हाउ मच डेमोक्रेसी इज टू मच डेमोक्रेसी, क्योंकि देश ना तो चाय का प्याला है और डेमोक्रेसी ना तो शक्कर है। देश ना तो भैया कोई खाना है और डेमोक्रेसी ना तो कोई नमक है। देश ना तो कोई खेत में उगती फसल है और डेमोक्रेसी कोई बिन मौसम की बरसात है नहीं। और ना ही देश कोई छोटा बच्चा है और डेमोक्रेसी कोई लाड़ प्यार है जो उसे ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो वो बिगड़ जाएगा। तो फिर कैसे नापें कि कितनी डेमोक्रेसी दी जाए, कितनी डेमोक्रेसी इज़ ओके और उससे ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगी, क्योंकि कोई पैमाना तो है नहीं। कोई वन स्मॉल डेमोक्रेसी या वन लार्ज डेमोक्रेसी ऑन द रॉक्स दे दो ताकि हमें पता हो कि कितना मेजर करके दे रहे हैं, कि हाउ मच डेमोक्रेसी इज टू मच डेमोक्रेसी। अब आप अपने चारों तरफ नज़र जो है फेरें अगर और देखें ज़रा, तो अपनी मर्ज़ी से आप शादी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से आप खाना नहीं खा सकते हैं, और अगर आप सवाल पूछो तो आप एंटी नेशनल हो, अगर आप प्रोटेस्ट करो तो आप नक्सल हो, अगर आप जो है स्टूडेंट हो तो आप मतलब बवाल मचाने के लिए हो, अगर आप जो है एक्टिविस्ट हो तो आप जो है अपोजिशन से जो है मिले हुए हो, मतलब और कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप करो जहाँ पे आप जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी के पैमाने हैं उसके तहत कोई अपना अधिकार इस्तेमाल करने की कोशिश करो तो इमिडिएटली आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। सच में टू मच डेमोक्रेसी है, मतलब इतने से थोड़ी, इतना थोड़ी होना चाहिए, थोड़ा कम करो यार। आप देखो कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं ना जो अपने जब अपने पहले अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और फिर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ जो पढ़ लिख लेती हैं, अपने फैसले खुद लेने लगती हैं, खुद मुख्तार हो जाती हैं और फिर अपने ही माँ बाप से अपनी चॉइसेस बताती हैं कि भैया मेरा, मैं करियर ये चूज़ करना चाहती हूँ या लाइफ पार्टनर ये चूज़ करना चाहती हूँ, और माँ बाप उसका फिर विरोध करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमने जो है ना तुमको ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दी, इसका सिला अब ये है कि अब तुम हमसे सवाल पूछने लग रहे हो। तो कुछ इस तरह की हालत डेमोक्रेसी की भी है। तो ज़्यादा सवाल मत पूछो, हैं, तुम्हें आज़ादी दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिगड़ जाओ और पूरे ही डेमोक्रेटिक बन जाओ और अपने हक की बातें करने लगो और अपनी चॉइसेस करने लगो, इसकी इजाज़त नहीं है डेमोक्रेसी में। ज़्यादा करोगे तो फिर और बुरा हाल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना डेमोक्रेसी होना, डेमोक्रेटिक होना ठीक नहीं है, इतनी डेमोक्रेसी होना ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम करो भैया, ऐसे कैसे चलेगा भाई। दोस्तों, टू मच डेमोक्रेसी का एक और एग्जाम्पल, हाथरस में आपको याद होगा बड़ी बेरहमी से बच्ची का गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसका कत्ल भी हुआ, और उसके बाद आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अंतिम संस्कार अगर कहें उसको तो वो भी कर दिया, ठीक है। और जब इस सब के खिलाफ जनता ने, इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस बेरहमी के खिलाफ जनता ने जब बोलना शुरू किया तो ओहो, छी 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 छी, टू मच डेमोक्रेसी, फिर आ गए टू मच डेमोक्रेसी वॉरियर्स जैसे अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, सुधीर चौधरी, आए तो बहुत लोग थे लेकिन इनके तर्क जो है सबसे ज़्यादा विकसित माने जा रहे थे। इन्होंने डेमोक्रेसी को करने की, कम करने की पूरी कोशिश लगा दी। इन्होंने बोला कोई गैंगरेप नहीं हुआ, ये तो दंगा कराने की साजिश है, और इसमें भी इनको फॉरन हैंड दिखाई दे रहा था, मतलब पुरजोर कोशिश करी इन्होंने कि टू मच डेमोक्रेसी को कम करके थोड़ा बैलेंस बनाया जा सके। लेकिन अब क्या हुआ है, सीबीआई ने सारे पे जो है सारे करे कराए पे पानी फेर दिया। जितनी डेमोक्रेसी
ये अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, सुधीर चौधरी एटसेट्रा ने कम करने की कोशिश करी थी, उस पर सीबीआई ने रायता फैला दिया। अब क्या है, मतलब सीबीआई ने बोल दिया गैंगरेप भी हुआ है, कत्ल भी हुआ है, ठीक है, और प्रशासन से गलती, अगर देखा जाए तो प्रशासन से गलती हुई है ना, क्योंकि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी ये बोल रहे थे कि कोई गैंगरेप का सबूत नहीं मिला है, कोई रेप का ही सबूत नहीं मिला है, बट अब सीबीआई ने बोल दिया है कि ये सारे काम हुए हैं, मतलब गैंगरेप भी हुआ है, कत्ल भी हुआ है, और जो है जो आरोपी इनिशियल आरोपी थे, जो है जिनके जिनको बचाने के लिए जल से निकले, मतलब जुलूस निकाले गए, जिनको बोला गया कि इन ये हैं असली विक्टिम, इनको खामखा फंसाया जा रहा है, इट इज़ अ केस ऑफ ऑनर किलिंग, और ये तो कुछ और ही कहानी है। अब अल्टीमेटली सीबीआई ने बोल दिया कि नहीं भैया, असली कहानी वही थी जो लड़की ने अपनी डाइंग स्टेटमेंट में भी दी थी, डाइंग डिक्लेरेशन में भी दी थी, और उन्हीं ओरिजिनल आरोपियों के ऊपर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यही लोग जिम्मेदार हैं, सारे करे कराए पे पानी फेर दिया, और फिर से टू मच डेमोक्रेसी की तरफ जो है देश बढ़ने लगा। ये तो शुक्र मनाओ कि टू मच डेमोक्रेसी है नहीं, थोड़ी डेमोक्रेसी कम हो गई है, क्योंकि अगर टू मच डेमोक्रेसी होती तो ऐसी खबरें देने पे सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार एटसेट्रा एटसेट्रा को सच्ची में देश के सामने प्राइम टाइम पे आके माफी मांगनी पड़ती और अपनी गलती कबूल करनी पड़ती और बोलना पड़ता भाई हाँ हमने गलती कबूल करी है। भैया डेमोक्रेसी को कम करने के लिए बड़े मुश्किल काम करने पड़ते हैं जो ये लोग कर रहे हैं, इनकी टीम को मैं दाद देता हूँ, क्योंकि इतना भयंकर झूठ बोलना, किसी की तकलीफ में, किसी के साथ जो एक दर्दनाक घटना हुई हो उसको भी एक झूठा ट्विस्ट देना, ये कोई आसान काम नहीं है भाई साहब। डेमोक्रेसी कम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं तो क्रेडिट देता हूँ इन लोगों को, ये लोग महान हैं, ये लोग हीरे हैं, इन लोगों को आने वाले टाइम पे याद करा जाएगा इनके झूठों के लिए। सलाम। पीएम केयर्स फंड में आर्म फोर्सेस ने 200 करोड़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं, ये बात पता चली एक आरटीआई के द्वारा। लेकिन अब इसका हिसाब मांग लो तो फिर वही प्रॉब्लम, टू मच डेमोक्रेसी। कभी आपने अपने घर में मुसीबत के टाइम में अपने पापा को पैसे दिए क्या, और उसका उनका हिसाब मांगोगे क्या? तमीज़ वमीज़ है आपने या सारी बेच के खा गए? मतलब आप भी बेच सकते हो, सिर्फ सरकारी थोड़ी बेच सकती है, सारी बेच के खाए क्या? कुछ तमीज़ नहीं है कि आप अपने पापा जी को मुसीबत के टाइम पे जो पैसे दे रहे हो उसका हिसाब मांगो क्या? कुछ नहीं सीखा तुमने बागवान फिल्म से? भाई सैनिक तो देश के लिए जान देने तक को तैयार होता है, सैलरी क्या चीज़ है? क्या कहा आपने? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन देश एंड पीएम केयर्स। दिमाग खराब हो गया है आपका? इतनी आज़ादी और इतनी डेमोक्रेसी की तुम्हें आदत पड़ी हुई है कि अब तुम पीएम से ही सवाल पूछने लग गए? एक यूपीए घुमा के पड़ेगा ना, सारी डेमोक्रेसी 2 मिनट में हवा हो जाएगी, तमीज सीख लो। क्या कहूं अब इस पे मैं? एक बार फिर से हाथरस की खबर, ये लेटेस्ट है। हाथरस में हिंदू युवा वाहिनी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत उनकी सोच बड़ी ही विकसित है और बहुत ही अनोखे काम करते हैं। उन्हीं के एक अनोखे काम में से एक अनोखा काम हाथरस में अभी पता चला। हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता, एक कोई ऑफिस होल्डर रहे हैं अनूप वार्ष ने, वो हाथरस में मसाले बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। अब उस फैक्ट्री में पता चला है कि वो मसालों में गधे की लीद, भूसा और एसिड मिलाते हैं। ये सब मिला मिलू के मिलावटी मसाले बना के वो बेच रहे हैं, मतलब लिटरली आपको गोबर खिलाया जा रहा है और भूसा खिलाया जा रहा है एसिड मिला के। तो ये कंकॉक्शन जो बन रहा है ये देख लीजिए आपके स्वाद को और हेल्थ को और आपके मतलब परिवार के कल्याण को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, ये तो आप खुद ही फिगर आउट कर लो। तो ये हो रहा है वहाँ पे, मतलब कुछ मौजें ऐसी होती हैं कि लिटरली ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर कुछ भी कमेंट करना ना उन मौजों की तौहीन लगता है मेरे को। अब इस पर मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मसाले में गधे की लीद और भूसा और एसिड को क्या बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा मैं इसको कैसे इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करूं, इम्पॉसिबल है। ये घटना अपने आप में मतलब व्यंग की पराकाष्ठा है, इट इज बियॉन्ड व्यंग। मतलब ये उस लेवल की खबर है जिसके ऊपर मैं चाहकर भी कोई कोई एक ऐसा क्वालिफायर नहीं लगा सकता कि खबरों को कुछ और बना दूं, ये अपने आप में एक महान खबर है। बस इतना ही कहूंगा कि अब आपको कम से कम समझ में आया होगा कि क्यों हिंदू खतरे में है। आया समझ? आगे से ना बहस ना करना। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 का बजट ऐसा बजट बनने वाला है जो हिंदुस्तान के इतिहास में 100 सालों में कभी नहीं बना। सुन रहे हैं आप?
सौ सालों में कभी नहीं बना। ये बजट कम, धमकी ज्यादा लग रहा है, इनिशियली लगा था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि अब तक तो बातें ऐसी हो रही थी कि हिंदुस्तान में डेली जो हो रहा है वो 70 सालों में कभी नहीं हुआ। चलो अब बात ना 100 साल तक पहुंच गई है। अब हमें क्या पता, हम तो ज़्यादा मतलब इनके इंटेलेक्ट को मैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन शायद इसी को डेवलपमेंट कहते हों, बिकॉज 100 इज ग्रेटर देन 70। तो फाइनली वे फाउंड विकास। सब हम सबको गाना चाहिए, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नयो लायो रे। बजट का इंतजार करें फाइनेंशियल ईयर 2022 का, क्योंकि हिंदुस्तान के पिछले 100 सालों के इतिहास में ऐसा बजट कभी नहीं आया है। डरो मत, इसी को विकास कहते हैं। दोस्तों जाते जाते एक बात फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, ठीक है, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने एक किसी महानुभाव का ट्वीट पढ़ा था जिसमें उसने ये कहा था कि फुट मसाज हो रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं फार्मर्स, ठीक है, ये प्रोटेस्ट है या पिकनिक। मैं इस भाई को ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक बार ना तू ये पिकनिक मना के देख, 3 डिग्री टेम्परेचर में रात भर जो है, तेरे को फुट मसाज मैं दूंगा, तेरे को पिज्जा मैं दूंगा, तू ये पिकनिक 20-25 दिन लगातार मना तो सही। मैं तेरे को दावा कर रहा हूँ 20-25 दिन 3 डिग्री टेम्परेचर में फुट मसाज और पिज्जा के साथ तूने ये पिकनिक मना ली ना, अगर तो तेरे को कम से कम 36 साल लग जाएंगे अपने जोड़ों पर तेल मालिश कराते हुए, ताकि जोड़ सीधे हो सके और तू सीधा चल सके। थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखो ना, अगर आपको पिकनिक लग रही है तो मना लो ना, आप भी पिकनिक को मना थोड़ी कर रहे हैं, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आके ट्राई तो करो, कुछ भी ट्वीट मत करो, समझे। जोर जोर से बार बार हमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने कोरोना में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कोरोना की इंडिया में, और इसलिए यहाँ पे जो है बहुत कंट्रोल में रह गया कोरोना। लेकिन ये कहने के साथ साथ ही सरकार ने पार्लियामेंट का विंटर सेशन कैंसिल कर दिया कि कोरोना का डर है। ये दोनों बातें कैसे, ठीक है, अगर कोरोना में इतना ही अच्छा किया है आपने काम, तो फिर पार्लियामेंट का सेशन क्यों कैंसिल कर लिया? क्योंकि पार्लियामेंट में क्योंकि बहस होती है और बहस इनको करनी है, क्योंकि बहस करना इज अगेन टू मच डेमोक्रेसी, और टू मच डेमोक्रेसी ने नहीं करनी है। इनकी जो डेमोक्रेसी है वो जो है पार्लियामेंट के बाहर है, मतलब अगर चुनाव हो रहे होते कहीं पे तो वहाँ पे रैलियाँ जुट रही होती हैं, धमाधम लोग आ रहे होते हैं हजारों की तादाद में, कंधे से कंधे मिला के खड़े होते हैं, मास्क नहीं पहने होते, और नहीं पहने होते कोई, अभी एक वीडियो भी देखा था मैंने कि किसी अपने दोस्त का मास्क मांग लिया था, वो लगा के पहन लिया था। वहाँ पे कोरोना की कोई टेंशन नहीं है, पार्लियामेंट में टेंशन है। एक गौर करने बाद ये बात ये है कि जिन कंट्रियों से बेहतर हमने परफॉर्म किया कोरोना में, जो दावा करा जा रहा है, उनके भी पार्लियामेंट बंद नहीं हुए हैं कि कोविड का खतरा है, उनके यहाँ भी सेशंस हो रहे हैं, मतलब सरकार मिलके बात कर रही है, हमारे यहाँ बंद हो गया। ये लॉजिक क्या है मुझे समझ में आया नहीं, पर मेरी मोटी बुद्धि है, कुछ दिन सोचूंगा, कोई महानुभाव मिलेगा तो समझाएगा मेरे को, तो शायद मेरे को समझ में आ जाए, बट फिलहाल तो इट मेक्स नो सेंस टू मी। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ रिलेटेबल पाया होगा इसमें, और ये सब आपके चारों तरफ ही हो रहा है, कोई फॉरेन कंट्री की बातें नहीं है, ये खबरें आपको बगल में निकलोगे तो ही देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। लेते रहिए मौज, और अगर उसमें फिर भी कमी पड़ जाए तो थोड़ा मेरे प्रोग्राम में भी आ जाया करिए, क्योंकि जो मुझे मौज दिखती है वो मैं आपके पास लेके आ जाता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं हूँ संजय राजोरा। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल, अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काट के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज।
और मन की बात करे हर संडे बिना किसी के रोक। आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर। भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। Thank you.